दोस्तों अभी रिसेंटली जो 23 डॉग्स भी बैन हुई उनमें मस्टिफ लिखा हुआ कि मस्टिफ डॉग भी बैन है, लेकिन भाई उसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सी मस्टिफ डॉग भी बैन है। बट जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें लिखा हुआ था कि भाई जो नेपोलियन मस्टिफ होते हैं ना वो बैन है, और उसके अलावा एक डॉग ब्रीड और बताई थी। लेकिन जो इंडियन डॉग ब्रीड है यानी अपनी बुल्ली कुत्ता, काफी लोगों को लगता है कि ये डॉग ब्रीड भी बैन है। तो भाई इंडिया के इंडिया में इसे कैसे बैन कर सकते हैं? तो बेफिक्र होकर आप लोग इस ब्रीड को परचेज कर सकते हो। और आज मैं आप लोग बहुत अच्छी क्वालिटी के पपीज लेकर आया हूं, जिनमें आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे कलर्स भी मिलेंगे, और क्वालिटी का तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि पपीज जो ना ये अलग अलग ब्लड लाइन से हैं, तो इनमें आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे। आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग इस मस्टिफ डॉग ब्रीड को परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वालिटी देखिए भाई, पपीज के फेस पर और इनकी बॉडी पर क्लियरली आप लोगों को रिंकल्स दिख जाएंगे। पपीज फुल्ली हैवी बोन है, इस चीज को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग किसी भी मस्टिफ डॉग ब्रीड को परचेज करो ना, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या आप लोग इस ब्रीड को अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि भाई मस्टिफ डॉग ब्रीड की जो डाइट होती है ना दूसरी डॉग ब्रीड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो कहीं आप लोग शौक शौक में परचेज तो कर लो और बाद में कहीं अफोर्ड करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। वैसे दोस्तों बुल्ली कुत्ता के अलावा ओनर के पास ये लैब्राडोर के पपीज भी अवेलेबल है। पपीज सच में काफी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। वैसे अभी पपीज थोड़े से छोटे हैं, बट बिल्कुल शॉर्ट टेल में कलर आप लोगों को दोनों ही मिल जाएंगे। बाकी ये आप लोगों को बता दूं कि लैब्राडोर बुल्ली कुत्ता से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, क्योंकि भाई बुल्ली कुत्ता थोड़े से अग्रेसिव भी हो सकते हैं, काफी अच्छे गार्ड डॉग्स भी हो सकते हैं, लेकिन भाई लैब्राडोर में ऐसी एबिलिटीज नहीं होती। ये स्पेशली फैमिलीज के लिए बने हुए हैं और फैमिलीज के लिए परफेक्ट होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर लैब्राडोर पपीज की बात करें ना, तो पपीज की एज तो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखी, तो ये चीज तो आप लोग पूछ लेना। लेकिन उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए, लेकिन ये जो प्राइस है ये मेल पपीज का, क्योंकि फीमेल आप लोगों को इनमें नहीं मिल पाएंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं बुल्ली कुत्ता के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बुल्ली कुत्ता वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉग ब्रीड में गिने जाते हैं, क्योंकि भाई इनकी जो हाइट है ना वो 37 इंच तक भी हो जाती है। और जब आप लोग इन डॉग्स को रियल में देखोगे ना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि यार ये चीज क्या है। तो इस ब्रीड को लोग स्पेशली गार्डिंग के लिए परचेज करते हैं, क्योंकि भाई इन्हें देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि आप लोग घर के आसपास आ जाएं। और वैसे ये काफी लॉयलेस्ट डॉग ब्रीड है, फैमिलीज के लिए हद से ज्यादा लॉयल होते हैं और काफी प्रोटेक्टिव भी। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डॉग ब्रीड परचेज करनी है, तो एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। आई एम श्योर आप लोगों को काफी कम प्राइस में आप लोगों की फेवरेट डॉग ब्रीड मिल जाएगी। और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इन बुल्ली कुत्ता पपीज की बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूं। तो सबसे पहले अगर एज के बारे में बात करें, तो पपीज अलग अलग लीटर के हैं, तो एज भी सभी पपीज की अलग अलग है। 35 डेज से स्टार्ट हो जाती है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है हिसार हरियाणा से। डायरेक्ट जाकर परचेज करोगे तो ये चीज सबसे बेस्ट है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्ट जाकर ही लें, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज ओनर आप लोगों को डिलीवरी तो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें, तो इनमें जो मेल का स्टार्टिंग प्राइस है भाई वो है 20,000 पीस 20,000 रुपए, एंड जो फीमेल का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। लेकिन दोस्तों प्राइस में आप लोग थोड़ी बहुत बारगेनिंग कर सकते हो। वैसे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करके जरूर जाएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।